Discuss about monohybrid cross. So first of all, discuss what is monohybrid cross. A monohybrid cross is the hybrid of two individual with homozygous genotype. Homozygous genotype means same genotypes. Result opposite genotype for certain genetic trait. ये homozygous genotype क्या करता है? Result करता है opposite genotype को कुछ certain traits के लिए. Then the second definition is the cross between two monohybrid trait, which is the capital T and small t is called monohybrid cross. And the monohybrid cross is responsible for inheritance of one gene. It is responsible for the inheritance of one gene. And this can be easily shown through a Punnett square. Here we will take an example. The monohybrid cross begins with a pea plant having two contrasting characters. Now we will discuss what are those two contrasting characters are. The two contrasting characters are, in phenotypic it is tall and dwarf, and in genotype it is tall is denoted as capital T and dwarf is small t. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें से एक एक गैमेट्स निकाल लेंगे. तो यहाँ से कैपिटल टी में से एक गैमेट कैपिटल टी निकल जाएगा, स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी. तो इन एफ वन जनरेशन क्या निकलेगा यहाँ पे? एक कैपिटल टी एंड एक स्मॉल टी. एंड एक कैपिटल टी स्मॉल टी जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे? टॉल. ये टॉल होगा बट हेटेरोजाइगस. हेटेरोजाइगस टॉल बिकॉज इसमें एक टॉल का कैरेक्टर है और एक ड्वार्फ का कैरेक्टर है. तो ये होमोजाइगस नहीं हो सकता, ये हेटेरोजाइगस हो गया है, इसलिए इसे कहा जाएगा हेटेरोजाइगस टॉल. तो अब जब हम F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया है उसे, नाउ वी विल टॉक अबाउट द रेशियो. रेशियो जो है फिनोटाइपिक एक होगा. फिनोटाइपिक क्या होगा इसका? 3:1. फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होगा कैसे? यहाँ पर देख सकते हो टॉल एंड टॉल, थ्री टॉल्स एंड वन ड्वार्फ. तो ये हो जाएगा फिनोटिपिकली जो दिखता है. फिनोटिपिकली ये तीन टॉल है और एक ड्वार्फ है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3:1. एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा इसका? 1:2:1. कैसे होगा? 1:2:1. जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हुआ बट कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक होमोजाइगस टॉल है, दो हेटरोजाइगस टॉल हैं और एक होमोजाइगस ड्वार्फ है. क्लियर?